कोली बाबा जी की आपको कहानी बताता हूँ भाई, या तो रास्ते या तो अभी बता देता हूँ। कंबल के ऊपर सड़क के सामने पता नहीं क्या था, कंबल में हमारे से तो फिर मैं थोड़ी देर सोता हूँ। तो जब तक आपका भाई ना भारी बैठा यहाँ पे गाइस, बहुत ज्यादा अंधेरा है गाइस, इसलिए मैंने फ्लैश ऑन कर रखा है वरना। सब्सक्राइब टू सक्शन व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। व्हाट इज अप गाइस, आज का व्लॉग है बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के व्लॉग में ना आज आपका भाई ना दिल्ली से ना नीम करोली बाबा जी के पास जा रहा है, वहाँ पे गुरु जी के दर्शन करने। तो यार ये ना छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा, इसमें ज्यादा लंबा नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि ना आपका भाई ना बिल्कुल सोलो ट्रैवल करके जा रहा है। तो इस व्लॉग को बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगा एंड आपको ना सब कुछ दिखाऊंगा कि दिल्ली से ना दिल्ली और मैं पीतमपुरा जाता हूँ, दिल्ली से नीम करोली बाबा जी के पास आप कैसे जा सकते हो। तो आज आपको गाइस मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, बिल्कुल एंड तक देखना। तो फटाफट से गाइस पहले मैं ना पैदल पहुँच गया, मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मेट्रो में बैठ के बताऊंगा ऐसा करो, मैंने फिर बाकी ना मेट्रो में बैठता हूँ, फिर आपको ना सारी जानकारी ना मेट्रो में जाकर देता हूँ, ठीक है। 3, 2, 1। तो गाइस मैंने ना सबसे पूछता कि साथ चलोगे, साथ चलोगे, सबने मना कर दिया। तो मैंने क्या करा, अपना अकेले निकल गया, बैग उठाया, बुक कराई टिकट एंड चलो। तो गाइस मैं ना अकेले ही जा रहा हूँ, अब फटाफट कैसे मेट्रो में जाकर ना मेट्रो में बैठता हूँ, फिर बाकी बातें आपसे ना मेट्रो में बैठ के करता हूँ आराम से। तो फटाफट मेट्रो आ चुकी है, फटाफट से मेट्रो में बैठता हूँ, अकेले ट्रैवल कर रहा है गाइस आपका भाई, सेकंड या थर्ड ट्रिप है जो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल है यहाँ पे ना गाइस, आपको ना दिल्ली से भाई हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जाना है ना इंडिया में आपको ना यहाँ से वहाँ की बस मिल जाएगी। तो गाइस ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लगा गेट नंबर 170 का, यहाँ पे आपको ना सारी बसेस मिल जाएगी। ये तो गाइस सारी प्राइवेट बसेस हैं जो गाइस आपको ना ऑनलाइन बुक करनी होती है तो वो आपको लेके जाती है। अदरवाइज कैसे आपको अगर नॉर्मल जाना तो गाइस आप यहाँ पे ना गवर्नमेंट बस स्टैंड जा सकते हो, वहाँ से गाइस आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। तो फटाफट से गाइस एक ना लक्ष्मी हॉलीडेज की बस से ये भी जाती है, पर गाइस ये मैंने बुक नहीं करी थी, मेरी बस सामने फास्ट ट्रैवल की ना वो जाएगी। तो बस गाइस ओके गाइस बिल्कुल सेम ऐसी है बस हमारी, डबल डेकर है, मैं आपको अंदर बस में चल के सब दिखाऊंगा इंटीरियर वगैरह। तो फटाफट से गाइस मैं ना बस के अंदर बैठता हूँ, क्योंकि ना 9 बजे का बस का टाइम है, तो अभी बज रहे हैं गाइस 8:30, मैं जल्दी आ गया था क्योंकि भैया ने 8:30 का टाइम दिया था। फटाफट कैसे बस में बैठता हूँ, फिर बाकी का जो ब्लॉग है आपको मैं रास्ते में दिखाते रहूँगा, बाकी आपको मैं बताया कि छोटा सा ब्लॉग रहूँगा, ज़्यादा लंबा ब्लॉग को नहीं खींचूंगा, क्योंकि ना ये ना एक अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग था, मेरे को शूट करने था, फिर वैसे मैं शूट करके दिखा रहा हूँ। बाकी गाइस ये सारी बसें यहाँ से आपको ना दिल्ली के लिए आपको हर जगह की बस मिल जाएगी। तो फटाफट अगर बस में बैठता हूँ, फिर आपको ना बाकी का ब्लॉग रहेगा आपको आगे जाकर कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। बाकी ये अपनी बस है, यहाँ पे गैस लगेज वगैरह आप ले जा सकते हो, नीचे गैस आपका लगेज वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, जितना भाई भी लगेज हो आपको गैस नीचे से अंदर जगह होती है आपका, यहाँ पे अंदर आ जाएगा आराम से। बाकी जो हैंड बैग होता है जैसे कैसे एयरपोर्ट एरोप्लेन होता है, तो जो आपका गैस मेन लगेज होता है वो कैसे अपना नीचे आ जाता है, एंड जो अपना हैवी बैग होता है ना जैसे हैंड बैग हो गया वो कैसे आप अपनी सीट पर लेके जा सकते हो। तो सब बताओ कैसे मैं सीट पर चढ़ता हूँ एंड कैसे आपको अपना सीट दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई पता नहीं किसकी शादी का इन्होंने आप कुर्ता रखा हुआ है, तो उससे कैसे अपने पैर साफ करता हूँ एंड फटाफट कैसे बस में चढ़ता हूँ एंड बाकी भैया से पूछते हैं भैया कार्ड गोदाम कब तक पहुँचेगी। कब बता देना, ठीक है भैया U3 में भी बता देना भैया। आपका क्या सीट नंबर है? तो L2 है, L2 है भैया, L2 और भैया का U3 प्लीज बता देना भैया, ठीक है। उनका U3 है, उनका L2 है, सही दाम लाएंगे इनको, बता देना प्लीज। उसको बोल दियो तो कहता अपना यार बिल्कुल तुमने बोल दिया कोई नहीं। अपना गाइस अब आपको ना बस में बैठता हूँ, बाकी आपको आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। सर बैठ चुका हूँ मैं, पूरे क्रैक गाइस 9 बजे ना बस ना स्टार्ट हो चुकी है, टाइम देख लो एंड गाइस पूरे 9 बजे ना गाइस बस चल पड़ेगी यहाँ से। सो यार अकेले ट्रैवल करने में ना गाइस अलग ही मज़े है, पता क्यों मैं आपके विंडो खोलता हूँ, तो आपके भाई ने भी विंडो बंद कर दिया एंड यहाँ पे गाइस अपना पूरी प्रॉपर प्राइवेसी है, कोई सर दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना बात करो जो मर्जी करो एंड कटेस भी कर देंगे तो यहाँ पे रोशनी भी नहीं आएगी एंड बाकी भाई बाहर नज़ारे देखो। एंड भाई आपको मैं बस में बता दूंगा, इस बस का जो टिकट का प्राइस है ना गाइस वो अपना ना मेरा 1100 कुछ का पड़ा था, साथ में गाइस बस में हमें ना एक तकिया मतलब कुशन एंड साथ में गाइस हमें ना एक अपना ब्लैंकेट भी मिलता है। सो भाई मैं 2 रुपये से कुछ भी लूँगा, पता नहीं भाई किसने यूज़ करा है। बाकी मुझे ना इसमें भी वहम आ रहा है यहाँ पर सोते हुए, पर भाई अगर हम ट्रैवल करते हैं भाई बाहर तो यार इतना सारा हमें यार मतलब ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि भाई आपका घर नहीं है, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसे कैसे देखो गंदी से मेरे को वहम सा आ रहा है, या तो गाइस आप घर से अपने चादर वगैरह लेके, पर भाई मैं लेके आया क्योंकि ना यार बैग ना बहुत ज़्यादा भर जाता, तो इसलिए गाइस अब आपका भाई निकल गया एंड फटाफट से गाइस अब ना थोड़ा सा सोता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये ना सामान वगैरह ना यहाँ पैसे मतलब कश्मीरी गेट में ना मतलब समझो ना
यहाँ पे ना भाई अपना ना जो भी अपना दूध जो भी आपको सामान जाना है कुछ भी ना यहाँ सब भेज सकते हो, किसी बस वाले को बोल दो आपका सामान भिजवा देगा। एंड फटाफट अगर चलो थोड़ा अपना सोता हूँ, सोता तो क्या हूँ भाई देखता हूँ, क्योंकि 4 बजे तक ना कैसे आपको दिखाई दिए भैया कह रहे हैं कि कार्ड को हम पहुँचा देगी, उसके बाद फिर कैसे अपने धक्के वक्के खाते हैं बाबू जी से बात जाएंगे मिलेंगे दर्शन करेंगे। बाकी हैं वैसे बस भैया जो कि बहुत गंदी चलाते हैं, और वो देखो भाई वो कहाँ चढ़े हुए हैं, वो देख लो वो शायद कहीं बिहार जाएंगे बस आई थिंक, पीछे भी देख सकते हो गाइस कितनी कितनी भाई देख लो कितनी ओवर लोड बसें आपको दिखाता हूँ, देखो शायद आपको ना दिख रही हो वो देखो भाई सब गाइस पूरी भरी हुई है बसें ऊपर तक देखो, वो भी शायद गाइस पता नहीं कहाँ जाएगी। तो चलो गाइस अपना अपना यार मैं सोता हूँ, थोड़ी देर रात का टाइम है सोखूंगा या तो कुछ खाऊँ, खाया गाइस मैंने कुछ भी नहीं है गाइस, मैं रात को कुछ खाऊंगा क्योंकि ना मैं जा रहा हूँ एंड यार थोड़ा मैं अपना व्यायाम मारता कि प्याज वगैरह ना ही खाऊँ तो मैं कुछ भी नहीं खा रहा अपना भूखा जाऊँगा। जय श्री राम। एटो नौ देख लो कितनी बढ़िया आपका भाई राम कपड़ा बैठा है, और आज सुबह आपका भाई पहुंचेगा 4 बजे कैंची धाम। तो गाइस नीम करौली बाबा जी की आपको कहानी बताता हूँ गाइस, या तो रास्ते या तो अभी बता देता हूँ। तो गाइस नीम करौली बाबा जी की ना कहानी है कि ना एक ना ट्रेन होती है, जैसे गाइस मान लो ट्रेन थी एंड वो चल रही थी एंड ना गाइस उस टाइम में टीटी था, सो गाइस स्टेशन पे ना एक ट्रेन रुकी थी एंड ना वो कैंची धाम था शायद, पता नहीं ये नहीं पता मुझे। सो यार उस स्टेशन पे ना गाइस नीम करौली बाबा जी को ना टीटी ने उतारा दिया क्योंकि ना उनके पास टिकट नहीं थी। सो यार जैसे गाइस नीम करौली बाबा जी को ट्रेन से उतारा ना तो भाई ट्रेन ना चली नहीं, ड्राइवर ने ना सब कुछ कोशिश करी ट्रेन चली नहीं, तो फिर गाइस जैसे ट्रेन के ड्राइवर ने सबको पीछे पता चला ना कि ये इनको आपने नीचे उतार दिया, टीटी को डांटा एंड वापसी गाइस बाबा जी से हाथ पैर जोड़े एंड उनसे रिक्वेस्ट करी उनको ट्रेन पर बिठाया एंड ट्रेन पर बिठा दी गाइस ट्रेन चल पड़ी। सो एक कहानी है एंड दूसरी कहानी है गाइस की, एक ना फौजी होता है वो ना गाइस लड़ रहा होता है एंड उसकी मम्मी ना गाइस नीम करौली बाबा जी के पास आगे ना गाइस प्रेयर करती है, उनसे हेल्प मांगती है कि मेरा बेटा वहाँ पे जंग में है तो आप हेल्प करो, कि दुआ करती है कि भगवान से दुआ करो। तो गाइस सीन क्या होता है गाइस, अपना जो नीम करौली बाबा जी होते हैं गाइस वो अपनी शॉल जो उन्होंने ओढ़ी होती है लोही वो उनको देती है, बोलते हैं कि ये जाके पानी में बहा दो नीचे, वहाँ पर नदियाँ को दिखाऊंगा पहुँच के दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा। तो बस वो ना वहाँ पर वो नदी में वो बहा देती है एंड शॉल पहुँचते तैरते हुए ना गाइस पता नहीं गाइस मतलब बाबा के चमत्कार है हनुमान जी के। सो गाइस वो पहुँचते हुए ना गाइस वो उस लड़के के पास पहुँच जाती है एंड वो लड़का जब लड़ रहा होता है ना गाइस तो वो शॉल ना उसके पास आती है, वो उसके ना अपने आपको कवर करके छुप जाता है और उसको तो गोलियाँ भी लगती गाइस उससे शॉल से गिल्ली शॉल जो भी होती है। सो मतलब ये बाबा जी के चमत्कार है गाइस, अब आप मानोगे नहीं बट भाई होता है ये सब, क्योंकि यार अब छोड़ो यार मैं देखो ऐसे किसी को मैं प्योरीफाई नहीं करके कहूँगा, मेरे को विश्वास है आपको विश्वास हो ना हो आई डोंट फकिंग केयर, मेरे को हनुमान जी के पूरा विश्वास है, साईं बाबा जी के पूरा विश्वास है, आपका भाई आप भगवान को विश्वास सकते हैं देखते हैं बाकी यार। अब बाकी यार फटाफट से कैसे बस चले फिर आपको मैं आपको मिलता है रास्ते में, क्योंकि सोऊंगा थोड़ी देर एंड ये लाइट भाई मैंने ऑन करी थी यार, ये बटन कुछ छेड़छाड़ करके ये तो बंद हो गई है, पता नहीं कहाँ से बंद हो गई यार येलो वाली लाइट यार, गेट खोला था ना भाई शीशा तो अपना भी भाई वो हो गई थी एंड बस चल पड़ी है गाइस, अपनी देख सकते हो गाइस पीछे हो रही है। तो भाई बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पे बस को बैक करना, देख सकते हो कोई कैसी बस खड़ी ऐसी जगह पे है पहाड़ों टाइप की ऊंचाई पे, और वो देखो गाइस वो भाई वो सामने ना बस में ऐसे बस मान रख रहे हैं यार, आपको बाहर देखो गाइस बस अपनी बस बाहर से अपनी बस कैसा बाहर से देखो एक बार, तो यार ये पूरी ना मतलब ऐसे गली टाइप की है एंड नीचे भी गाइस यहाँ पे सीट होती है जिससे गाइस आप बैठ के जा सकते हो। सब मैंने बढ़ गए अपने वाली सीट करवाई थी तो मैंने नीचे वाले भी करा सकता था क्योंकि ना मेरे को सोना नहीं था, तो चलो कोई नहीं आ रहा है एक ही रात की बात है। तो चलो यार कोई नहीं गाइस अब अपना भाई अपना ना फटाफट से गाइस पहुँचते हैं वहाँ पे एंड अपना भाई पहुँच गया आपके मिलूंगा एंड मैं ना ये टोपी पहन लेता हूँ क्योंकि गाइस मैं ना तकिया तो गाइस मैंने पैर में रख दिया एंड पीछे कंबल के ऊपर गाइस मैं सर रख के सो रहा हूँ, बाकी ना मुझे लगता है अगर जो पहाड़ है ना नीम करौली बाबा जी नैनीताल क्योंकि ना उस तरफ गाइस मुझे लगता है ठंड होगी। चलो अपना देखते हैं भाई सब क्या होता है एंड अपना फोन है ये रखा है इसके बाद ध्यान रखूंगा पावर बैंक वगैरह इसमें सोचूँ चार्जिंग पे लगा लूँ पर भाई चार्जर तो उसका लाया नहीं पर वो सोलर एनर्जी वाला पावर बैंक है तो उसको वैसे मैं भेजा के चार्ज करूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे मैंने बहुत छोड़ सा बनाऊंगा अब बाकी बातें ना हिसाब से मैं बाहर जाके करूँगा मतलब कुछ बड़ी होगा ना वही दिखाऊंगा वरना मैं अपना सोऊंगा आपको सुनने लूँगा सीधा नीम करौली बाबा जी के वहाँ पे जाके। तो सारे कमेंट में फटाफट से जय श्री राम लिख दो 1 2 3 जय श्री राम। बस बस में भी अपना हमें ना यहाँ पे यार अपना एक चिप्स का पैकेट एंड साथ में अपना एक अपना यार ये पेपर बोट जूस और साथ में अपने एक पानी की बॉटल दी है। मैं तो कुछ भी खा नहीं रहा क्योंकि ना इन सब में ना अपना प्याज होगा तो मैं नहीं खा रहा यार, अब तो ये रास्ते में खाना होगा इसको वैसे मैं बैग वगैरह में रखता हूँ या तो यहीं छोड़ दूँगा या तो बैग में रखता हूँ देखता हूँ इसके आशे ना बाकी ये भी नहीं पीऊँगा गाइस मैं सोच रहा हूँ बट कि ना वहाँ पहुँच के रास्ते में भूख लगी तो पी लूँगा क्योंकि इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी क्योंकि मैं ना सोच रहा हूँ भूखे पेट जाऊँ
घर से गाइस ना बक निकलो। अगर गाइस वहां पे कुछ नहाने धोने का सिस्टम मेरे को नहीं समझ में आया, समझ में नहा के आया तो मैं वहां पे जाके मैं दर्शन कर लूँगा मेरे प्रफी, आके कुछ खाऊंगा तो फिर अपने देखते हैं क्या होता है। एंड अगर हो सके तो वापसी होगा आपको पूरा ब्लॉग देखना भाई, अकेले जाऊँगा, अकेले ट्रैवल करने में अलग ही मज़ा आता है। बाकी अपना बस यहाँ से जा रही है अभी, एंड अपना कटर्स वगैरह करता हूँ। पीछे यहाँ पे ना चार्जिंग पोर्ट भी है, सबसे बढ़िया बात मुझे ये बढ़िया बात लगी। अपना गाइस थोड़ी देर सोता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये बस का अपना वॉशरूम है गाइस, अंदर से ना वॉशरूम गाइस बिल्कुल सही बन रखा, कोई दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई इस टाइप का भी अगर छोटा सा वॉशरूम है बस में, तो बस भाई फटाफट से गाइस मैंने बस में बैठ सीट पे रोके ना, और किसी ने भी आना है तो भाई बाकी सब लोगों का आपको मैंने स्क्रीन पे जाकर कंटिन्यू करता हूँ ना, बस अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपका मैंने वॉशरूम वगैरह होकर आ चुका है, एंड अपना भाई बस का जो वॉशरूम है ना भाई, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई कि ऐसा तो वॉशरूम बस में भी होगा। बस में भाई वैसे होता है वॉशरूम, मैंने बहुत बार देखा है, पर इस बस में गाइस अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इसकी बस में वॉशरूम होगा, पर यहाँ पे था। तो यार अपना यार देख सकते हो गाइस, अब हाईवे पे ना चढ़ चुकी है बस अपनी, तो ये कौन सा है यातायात नियमों का पालन करें। तो भाई ये हाईवे बहुत बढ़िया लग रहा है मतलब देखने में, तो यार अब ऐसे नहीं आ रहा मतलब देखने में, ऐसे बकचोदी नहीं करूँगा भाई सीरियसली, ऐसा चलो अच्छा लग रहा है मतलब, ऐसा होता है ना ऐसे गुड़गांव वाला हाईवे तो उस टाइप का हाईवे है शायद आपको ना दिख रहा हूँ, बस मुझे दिख रहा है यार। तो चलो अपने सोने वगैरह की तैयारी करता हूँ, तो अपना फिर आपसे सीधा ना मैं 4 बजे मिलता हूँ, 11 बजे का बस गई एक ढाबे पे, जो ये देखो किसी पुलिस वाले खड़े आई थिंक शायद नहीं पता नहीं होते सर। अपना अब 11 बजे ना कहीं बस रुकेगी शिफ्ट करके कोई ढाबे पे, तो वहाँ पर भाई मैं आप उतरूँगा नहीं, बाकी मेरठ हापुर ये सब लिखो है गाइस। बस आके अपना अभी ना यहाँ पे आगे रुकेगा इस एक शिवा ढाबा पे, जो कि उत्तराखंड के रास्ते में गाइस हाईवे पे पड़ता है, एंड यहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा लग, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ओस लग, मैं क्या बताऊँगा इसे, बाहर देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा ओस हो रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गाइस अपनी बस है, एंड ये शायद आई थिंक गवर्नमेंट बस है जो यहाँ पे रुकी हुई है, बट नहीं नहीं प्राइवेट है, प्राइवेट है पता नहीं यार कौन सी बस है गाइस। अब यार यहाँ पे ना गाइस अपनी बस रुकी है, एंड यहाँ पे गाइस मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अगर देखते बाकी क्या सीन है अब अंदर जाके आपसे बात करते हैं, रेस्टोरेंट का नाम है शिव ढाबा। एंड आपका भाई यार वॉशरूम हो गया, रेस्टोरेंट में ना यार दाल मखनी शाही पनीर देख के ना मन कर रहा है कि खा लूँ, बट खाऊंगा नहीं क्योंकि ना गाइस प्याज होता है, एंड ना मैं सोचूंगी ना हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं जैसे कैसे, अगर मैं मेहंदी बालाजी भी जाता हूँ ना तो वहाँ पे भी ना कहीं सबना प्याज वगैरह नहीं खाते, तो कहीं मैं ना प्याज वगैरह अभी भी नहीं खा रहा, सारा जो भी खाना होगा ना सीधा दर्शन करने के बाद ही खाऊंगा, क्योंकि ना भूखे पर जाऊँगा जो भी होगा, क्योंकि ना प्याज नहीं खाऊंगा। अब फटाफट से कहीं अपना ना वापसी चलता अपना बस में, एंड देखते अपना क्या सीन है, क्योंकि ना यहाँ पे ना बोले नहीं जा रहा, देख लो कि मेरा ना मुँह ना बड़ा बड़ा करके कर रहा है, क्योंकि यार आप इतनी ज़्यादा ठंड है सीरियसली यार, सोलो ट्रैवल करना ना कहीं थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है, बट सही है मज़े बहुत आते हैं यार। डिफिकल्ट वो भी पता है किस पे 1% होता है, पता है किस चीज़ का रिस्क है यार, कि ना चोरी वगैरह हो जाए यार, जो होते हैं ना मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए, क्योंकि हम दिल्ली गए आपको पता है इस गुस्सा के भाई का बिल्कुल पारा ही रहता है। सो अपना फटाफट से कैसे अब ना बना चलते हैं बस के अंदर वापसी, या तो कहीं अगर वॉशरूम आऊँगा तो वॉशरूम, बाकी मैं देखता हूँ बस के अंदर जाऊँगा, बाकी आपको मॉल लेंगे अपना फटाफट से चलते हैं बाकी बस के अंदर, या तो बाहर अपना आपको बाहर के नज़ारे वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चू इतना क्यूट सा है, हाँ भाई ये काट ना ले पहले काट ले, बाकी अपना ये अपने बस यार बहुत बढ़िया सर्विस है गाइस, बस की सर्विस एक नंबर की है। बाकी यार यहाँ पे अपना ये सारे शेक्स वगैरह भी है, शेक वगैरह पी देखता हूँ क्या सीन है, अगर मन करेगा तो पी लूँगा, वरना मैं सोचूँ ना ही पीऊँ यार, मैंने रात को कुछ खोते नहीं को गया तबियत खराब ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ना इतना सा रिस्क रहता है। बाकी अपना वहीं जाके मिलता हूँ आपसे सीधा रास्ते में अपना कैंची धाम, ठीक है गाइस। बाकी गाइस यहाँ पे ना इतनी सारी टैक्सीस वगैरह खड़ी ना, मैं क्या आप तो ये देख सकते हो गाइस, एक पता मतलब अंत की टैक्सी है गाइस। एंड यहाँ पे ना गाइस पता करो तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना गाइस कैंची धाम में ना गाइस बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब कि अंत का रश होता है, क्योंकि ना गाइस नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है, एंड ये ठंड का टाइम है, तो ये अपना जून जुलाई अगस्त अपना, और अभी तो यार अपना दिसंबर चल रहा है, मतलब दिसंबर में तो गाइस बहुत ज़्यादा ही रश होगा वहाँ पे, और अकेले जा रहा हूँ भाई, बाकी वहाँ पे जाकर देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। वॉशरूम में बस पता क्या एक चीज़ की दिक्कत रहती है यार, मैं वॉशरूम वगैरह की दिक्कत रहती है कि वॉशरूम साफ सुथरे हो, बाकी यहाँ पे वॉशरूम साफ है, बट ये जा रहा है अभी जो मतलब जो मैंने कहा कैसे जाऊँगा समझ लेना, मैं आपसे पहले आपसे सारी बातें शेयर करता है। तो बाकी आप बस में वाईफाई वगैरह भी है, बट मैं कनेक्ट वगैरह क्या ही कराऊँगा, तो फटाफट से गाइस अपना थोड़ा वेट करता हूँ गाइस बस चले, फिर अपना बस में सोऊंगा, एंड सीधा आपसे ना गाइस सुबह वहीं पे मिलूंगा, क्योंकि ना आपको ज़्यादा मैं ज़्यादा ब्लॉग करना कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। अब फटाफट गाइस अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगा, वरना गाइस भारी ऐसे से मैं यहाँ पे राउंड काट देता हूँ, क्योंकि गाइस आज मैं जिम गए नहीं तो इसलिए। बस अपनी निकल रही है, अपना टाइम देख लो, आपको टाइम दिखा देता हूँ क्या और क्या है। सो गाइस 11:55 हो रहे हैं गाइस, 12 बजे गाइस अपनी बस निकल रही है गाइस इस शिवा ढाबे से। सो इसके बाद गाइस अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ, सब सीधा अपना कैंची धाम मंदिर में, क्योंकि गाइस मैं सो रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, 4 बजे के करीब गाइस कैंची धाम आ जाएगा, 4 बजे गाइस मैंने अलार्म भी लगा दिया है,
उठते हैं, फिर मेरे को चेक भैया कितनी देर में आएगा। घर पर तो भाई 4 बजे सोता हूँ, 7-8 बजे उठ जाता हूँ, पर बस में तो भाई बस में तो करना ही पड़ेगा मैनेज। तो फटाफट से कैसा सोते हैं, अब आपको मिलता हूँ सीधा सुबह 4 बजे कैंट जाओगे। गाइस जय श्री राम। गाइस 3:10 हो रहा है, नींद नहीं आ रही, सादा दर्द बहुत ज़्यादा यार, सब दर्द क्यों रहेगा इस, क्योंकि ना अच्छा थोड़ा सा ट्रक पीछे से पहुँच करके चालू हो गए 2 बजे, 3:10 होने गए वॉशरूम में, वॉशरूम साथ तो यहाँ पर एक खरोच लग गया अभी से। ये देखो यार एक कैमरा एक तो ना दिखाई देगा, देखो एक खरोच लग गया अभी से यहाँ पे ना खून निकल रहा है। वाकई यार ये पत्नी आ रही है भैंस की आँख हवा ऊपर से दे रहा है ठंडी, ये देखो भाई बहुत ठंडी हवा आ रही है, समझ नहीं आ रही क्यों ऊपर से भाई ठंडी हवा दे रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई थोड़ी देर सोने की, हल्की सी नींद हो जाए, बाकी मैंने टोपी पहन रखा है, मुझे कंबल के ऊपर सर के सोऊँ, पता नहीं क्या था कंबल बहन आ रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर सोता हूँ फिर आप ठीक तो भाई कल चला जाने के बहुत सारी नींद आ जाए। हम ना यहाँ से हल्की से आ गए तो भैया ने ना यार बीच में बस रोक दी, यानी यहाँ से ना कैसे इनकी खुद की प्राइवेट टैक्सी होते हैं उधर ना मिले होते हैं बस वाले टैक्सी वालों के साथ, तो डील कर लेते हैं अपना अपना प्रॉफिट रखे, यहाँ से कैसे अपना बस जाएगी, तो यहाँ से कैसे अपना ये गाड़ी अपना हमें काठगोदाम अपना कैंचदाम लेके जाएगी, तो डायरेक्ट यहाँ से। तो जब भी अगर आप आओ तो ऐसे बस में अगर यहाँ पर आप उतारती है तो देखने लगा 300 रुपीज़ गाइस पर हेड लेके जा रहे हैं, मतलब 300 रुपये गाइस पर बंदे से, तो मैं 300 रुपये दूंगा, मेरे को सीधा कैंचदाम उतारेंगे। अदरवाइज गाइस वहाँ से काठगोदाम से ना गाइस बसेस भी जाती है जो कि गवर्नमेंट बसेस होती है, आप उससे भी जा सकते हो अगर आपको थोड़े पैसे अगर कम खर्च करने तो, पर गाइस उसके लिए आपको पहले भीमताल जाना पड़ेगा, भीमताल से फिर डायरेक्ट आपको कैंचदाम के लिए मिलेगी। सो गाइस मैं पहले बार जा रहा हूँ तो मैं ना भाई ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, मैं अपने से भी अपनी छोटी सी कैब है पालो गिरानी 150 छोटी गाड़ी, तो अपने इसी भी जा रहे हैं, अब फटाफट से कैसे अपने इसे बैठते हैं। अब आपको गाइस मैं सीधा मिलता हूँ कैंचदाम जाके, रास्ते में कोई बड़ी होगा गाड़ी वाड़ी पार से गिरेगी मैं गिरूंगा तो दिखाऊंगा आपको गिरते हुए। चलो गाइस मैं फटाफट से कैसे गाड़ी में बैठता हूँ, अब आपको जाके कैसे सीधा मिलता हूँ अपना यार कैंचदाम जा रहे हैं। बाकी भैया से पूछते क्या कह रहे हैं भैया, बैठते हैं कैसे अपना गाड़ी में, बाकी बुलेरो वगैरह कैसी सारी ने अपना यार यहाँ से जा रही है अपना नैनीताल की तरफ, एंड पूछते हैं अपना क्या सीन अपना है, बाकी बस तो अपने यही भी खड़ी हो गया एंड ये आगे जा ही नहीं रही यार, देखते हैं। सारा ठंड हो रही है गाइस उत्तराखंड में ना, मम्मी मेरे को बहुत चला रही थी कि गर्म कपड़े पहन ले, इतनी लड़ाई हुई मैं घर से खाना भी लेके नहीं आया, मतलब भाई मेरे को मम्मी मैं नहीं पहनूंगा मैं ये पहन के जाऊँगा। तो अब आके आपका भाई आ चुका है अकेले, सर आपको बताया गाइस मैंने ना सबको, आप चलो मैं ना आपको मैं क्या बताऊँगा, इस मैंने ना सबको बोला था दोस्तों से पूछा भाई चलना है, सब कहते नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं अपने ऐसे सीख रहा हूँ मैं अकेले जाऊँगा, इसलिए गाइस मैंने किसी से ना सरदर नहीं पूछा, मतलब क्यों गाइस दोस्त यार में क्या सरदर रहता है गाइस, वो बोलेंगे हाँ तो हम जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बाकी बस स्टार्ट हो गया, बोलता हूँ भैया क्या सीन है चलना है नहीं चलना पूछता हूँ गाइस। बॉडी में तो एक लेडी को अभी हाल फिलहाल में ही मारा है और यहाँ पे परसों मारा है ओ भाई भाई भैया कह रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप मार देते हैं घर जा गए थी, कल तो यही पीछे ही दिख गया था काड़ू नाम में लैपटॉप। हाँ सही भाई इतना संसार नहीं है ना, भैया कह रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप खा जाते हैं दबा के, वो देखो बिल्ली है तो चलो उसी के हफ्ते में एक और बाइक उसे ही खींच के लेके
फिर एक बेचारा बहुत बड़ा बुरा लगा क्योंकि एक जो था अपने साथ अपने दो दोस्तों को लेके गया बाइक में, उसके घर में लड़की है लड़का हुआ था, पार्टी दे रहा था, दारू पार्टी कर रहे थे शाम के टाइम की बात थी, अंधेरा हो गया, थोड़ा अंधेरा हुआ, आया बाघ झाड़ियों से खींच के ले गया, उसी को खींच के ले गया जिसके घर में खुशी हुई थी। वही देख लो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक है लेपर्ड का, बच के रहना यहाँ पे जब भी हो तो। और अभी जो हुआ है रामनगर में ढिकुली में सफारी बंद है, अभी तो सब खुली नहीं है, उसमें क्या हुआ भाई, भैया ने अपना उतार दिया यहाँ पे अपना नीम कोली बाबा जी के पास, एंड ये देखो एक मैं चुप रहता हूँ, आवाज़ सुनो आप कितनी शांति है गाइस, एंड सिर्फ नदी की आवाज़ आ रही है गाइस। अपना गाइस सामने गाइस बाबा जी का मंदिर है, 7 बजे गाइस मंदिर खुलेगा, तो जब तक गाइस आपका भाई ना भारी बैठा यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस, सीरियसली मैंने फ्लैश ऑन कर रखा है, वरना गाइस यहाँ पे देखो मैं एक नहीं देखो फ्लैश ऑफ फ्लैश में हाथ रखता हूँ, ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं देगा गाइस आपको यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है गाइस, बिल्कुल ब्लाइंड भाई। भैया से बातें कर रहा था, बहुत ठंड है गाइस यहाँ पे, एंड भाई यहाँ पे ना मैं इसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि ना गाइस पता नहीं गाइस गिर ना जाऊँ क्योंकि गाइस मैं भारी गलूँ। बाकी अपना यार नीचे उतरते हैं बाबा जी, थोड़ा आगे चलते हूँ पूछता हूँ मंदिर वंदिर का क्या वो है, बाकी अपना देखते हैं गाइस, बाकी में क्या डर लगा था मैं नीचे उतर जाता हूँ, बाकी नीचे नदी है गाइस थोड़ा देख देख के जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है गाइस नदी भी क्या से, एंड दांत कांप रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। बाकी गाइस नीम कोली बाबा जी है, जय श्री राम, चलते हैं गाइस अपना मंदिर की तरफ, वो देखे गाइस आपको मंदिर दिख रहा होगा, एंड ये नीचे आ गए इस नदी बह रही है बहुत गहरी, एंड भाई बहुत ज़्यादा मतलब गाइस ओवर खाप मतलब घूम 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 के रास्ते है गाइस, ये रिस्की है बहुत, अब नीचे उतरता हूँ फिर आपसे मैं मिलता हूँ, देश दिन होने वाला है, एंड यहाँ पे ना गाइस आपको मैं नदी दिखाता हूँ, ये है गाइस बीच की नदी देख सकते हो गाइस, वहाँ पे गाइस अपने नीम कोली बाबा जी का मंदिर है, एंड बहुत ठंड है, आपके भाई ने कहा वहाँ पे ना हनुमान जी सब पढ़ रहा था तो बहुत देर से, तो वह हनुमान जी सब पढ़ लिया, अब फटाफट से एक ना बाहर जाता हूँ लड्डू लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे लड्डू भी चढ़ते हैं, तो लड्डू को लेकर लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे गए मैं मुझे मंदिर दर्शन करने वाला वापसी गए घर के दिल्ली के लिए निकलूँगा, फटाफट से सब लेके आता हूँ एक बार, फिर मैंने दुकान से ना बाबा जी के प्रसाद ले लिया, बाकी का इस प्रसाद चढ़ता नहीं है, फिर मैं गए लेके जा रहा हूँ देखते हैं आगे क्या होता है, अपने फोटो करते हैं मंदिर वहाँ पे चलता हूँ, एंड वहाँ पे अगर जूते वगैरह उतार के ना अपना मैं ना गए अपने वहाँ पे लाइन में लग जाता हूँ क्योंकि गाइस भीड़ हो जाएगी ना, तो 7 बजे गाइस मंदिर खुलेगा, तो फटाफट से जैसा मैं चलता हूँ यार क्योंकि ना गाइस एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना गाइस सीरियसली मेरे हाथ ना गाइस सीरियसली कांप रहे हैं गाइस, मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, पहले गाइस मैंने मम्मा को लेके आ रहा था पर मम्मा कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, तो इससे गाइस मैं अकेले ही आ गया, अब फटाफट से ना अपना चलता हूँ मंदिर में फिर आपको अपने दर्शन वगैरह कराता हूँ गाइस बाबा जी के, बहुत ठंड है गाइस, एंड नीचे गाइस नदी है, पानी गाइस गहरा नहीं है, मुझे लगता गहरा होगा पर ठीक ठीक है, इतना पत्थर ही पत्थर है गाइस, ओह भाई साहब बहुत ठंड है गाइस, मेरे हाथ पूरे सूने हो चुके हैं सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, अब फटाफट जैसे का मंदिर तक चलता हूँ गाइस, बाबा नीम कोली का मंदिर अंदर गाइस मैं शूटिंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी, आपने अगर कहना तो आप खुद आओ दर्शन करो ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको दर्शन बिल्कुल भी, लेकिन मुझे खुलता भी पूरे साथ भी खुलेगा सर, लाइन लगती भी ऐसी एंट्री हुई जी लाइन लाइन अभी नहीं लगेगी सर, आज तो ऐसी भीड़ भी रहेगी, अभी लग रहा है अभी लाइन लग जाए ना, पहले शेड लगा नीम कोली बाबा जी, तो देख सकते हो गाइस अंदर आके आपको दर्शन नहीं कराऊंगा, अगर आपको दर्शन करना है आप खुद आओ यहाँ पे दर्शन करो, वीडियो में गाइस आपको ब्लॉग में कोई भी दर्शन नहीं कराऊंगा, और फटाफट से गाइस मैं वापसी दिल्ली निकल रहा हूँ क्योंकि ना मैं बाबू जी के दर्शन करने आया था, वापसी घर जाऊँगा और वापसी सीधे मिलूंगा गाइस दिल्ली जाके, क्योंकि वापसी मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए आया था गाइस यहाँ पे, बाकी गाइस नीम कोली बाबू जी के दर्शन कर लो गाइस, बहुत शांत जगह है गाइस, नीचे गाइस नदी है देखो वो देखो गाइस कितना क्लियर पानी है, देख रहे हो कितना साफ पानी है, एंड ये रहे गाइस अपने बाबू जी, वो देख रहे हो गाइस वो यहाँ की शांति यहीं पे है गाइस, चलो गाइस अब आपके आपको वापसी दे दी निकलते हैं, ये देखो बंदर आ गए बाबा जी के पास, आरती का टाइम हो गया, मैं भूल जाता कि आरती लेके जाता हूँ, फिर गाइस मैं अपना घर निकल जाऊँगा वापसी, तो फटाफट ऐसे अंदर जाता हूँ एंड आरती लेके निकलता हूँ, ये देखो बंदर आ गए, सो मैंने गाइस फिर से दर्शन करके आया था क्योंकि ना मैं आरती लेना भूल गया था बाहर आ गया था, पर फिर याद आया कि आरती भी है तो आरती भी लेके आ चुका हूँ, अब निकल रहा हूँ इसमें दिल्ली, अब सीधा आपको मैं बस में बैठ के कुछ खाऊंगा पीऊंगा, देखता हूँ कुछ खाने पीने का, ट्रेन देखता हूँ ट्रेन वापसी कब है, तो मिलता हूँ वैसे रास्ते आपको सीधा रास्ते में कुछ खाऊंगा पीऊंगा तब, या कोई व्हीकल देखता हूँ वैसे अगर दिल्ली के लिए कुछ हो तो ठीक है, पूरा मंदिर
जय श्री राम। चलो गाइस अब वापस निकलता हूँ घर के लिए, ऐसे अपनी चाय ले लूँगा, चाय पीऊँगा उसके बाद निकलूँगा गाइस आगे जो भी होगा कुछ आगे ट्रैवल करूँगा। पहले उठा गाइस पहले चाय पीता हूँ, साथ में गाइस मैंने दो बिस्किट ले लिया, पा लीजिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा। अरे हाँ हेलो फर्स्ट क्लास। अब पहले उठा गाइस चाय पीता हूँ उसका, फिर गाइस आगे जो ट्रैवल होगा वो दिखाऊँगा आपको। चाय पी लिया उसके बाद आपका भाई खा रहा है अपना राजमा चावल यहाँ पे। ओह भाई खुशबू तो भाई बहुत बढ़िया आ रही है एक नंबर की। पहले गाइस मैंने सैंडविच बनाया था, बस सैंडविच कैंसिल करवा दिया, मैं भी राजमा चावल करूँगा। ऐसा करो आप भाई राजमा चावल खाएगा सुबह सुबह। बहुत गर्म है खुशबू भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया सर घर के ऐसे खाने के। भाई साहब भाई अल्टीमेट है ये ना गाइस, नीमकुल बाबा का जो मंदिर है ना उसके गाइस हल्की सी आ गई है अन्नपूर्णा फूड पॉइंट करके। भाई मस्त रहे हैं दिल्ली में नहीं मिलेंगे ऐसे अल्टीमेट गाइस गाइस दिल्ली में नहीं मिलेंगे ऐसे राम चावल अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। अरे तो भाई गर्म गर्म इतने गर्म गर्म घर पे मम्मी देती ना, मम्मी में लड़ाई हो जाती है, गर्म गर्म देती है मुझे। और यहाँ पे गाइस गर्म गर्म खाने का ही मज़ा है अल्टीमेट। अरे भैया का रेस्टोरेंट है भैया मज़ा आ गया, भैया ना एक नंबर। तो भाई भैया के रेस्टोरेंट में जरूर आना अन्नपूर्णा में। चलो भाई अपने डांस को ख़त्म करता हूँ, फिर ना एक बस की बस है, बाकी मैं नीचे बस वहाँ पर जाके देखता हूँ कितने बजे की बस है जो भी। ठीक है आप फटाफट खा मिल के फिर नीचे मिलता हूँ आपको। पुलिस स्टेशन के सामने देख लो उसके जो सामने है गाइस इनका रेस्टोरेंट एक नंबर का राम चावल है। मत मैं बता रहा हूँ जरूर खाना गए मज़ा आ गया इसका के। अल्टीमेट अल्टीमेट। चलो खा लिए अब आपका भाई ना गाइस यहाँ पता करा टैक्सी नीचे जाना है स्टेशन पे रेलवे स्टेशन। आप बोलो कितने लोग हैं? अकेले। हाँ जी फुल टैक्सी करनी पड़ेगी। शेयरिंग में नहीं है? नीचे स्टेशन के लिए वैसे ही कैमरे बैठ गए हैं पटिया में, अब ये लेकर जा रही है मेरे को नीचे तक। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है जी, मेरा अपना बोटिंग वगैरह होती है गाइस। सो यहाँ पे अपना बोटिंग वगैरह होती है, वो देखो बोट खड़ी गई सामने, बोट खड़ी हो देखो हमारी भीमताल है, भीमताल से गाइस हमारा ऊपर है गाइस कैंची धाम, तो ये नीचे है। सो आप देखो गाइस आटा डाल रहे हैं, जैसे मैं आटा डालता हूँ वो भी देखो आटा डाल रहे हैं सर। मैं ठंड लग रही है भाई, मैं फरवर से इस कैमरे में बैठता हूँ अगर फैमिली के साथ आता ना इस, तो यहाँ पे इस पक्का इस बोटिंग वगैरह करता है, बहुत मज़ा आता है इस बोटिंग करने में। ओ भाई बहुत ठंडा है, मैंने वहाँ से कैमरे बैठता हूँ अब आगे का ब्लॉग ना आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ठंडा है। कैब चेंज कर लिया यहाँ से, अब अपना यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बहुत ज़्यादा गहरी झील है। एक गाना गाइस फैमिली के साथ आने गाइस एंड झील में ना गाइस पक्का अपना बोटिंग तो करनी है, क्योंकि गाइस बहुत बढ़िया वीडियो बनते हैं यहाँ पे रील, अगर यहाँ पे आप बोटिंग करोगे ना गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हो। देख सकते हो तो यहाँ पे ऐसा बोटिंग कर रहे हो और बीच में बैठे गाइस आप वीडियो बना रहे हो, यहाँ पे गाइस ये सारी अपनी बोट एक्टिविटी देख सकते हो गाइस। झील बोट हो गई ये देखो गाइस कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे बोट, ये देखो वो देखो सब बढ़िया गाइस। यहाँ पे आके आप गाइस ये देखो धूप लग रहा है गाइस मज़ा आ गया भाई, सोचो सीधा गाइस गाइस पानी में गिर जाए तो आपको नीचे जाके मिलेगा। तो अपने ना गवर्नमेंट के जो होते हैं वो बस, तो वैसे उसमें आगे बैठ गया हूँ एंड ये अपना मुझे ना दिल्ली पहुँचा देगी आराम से, ये उतारेगी मेरे को आनंद विहार। सो ये अपना जैसे मैं मनाली से आता हूँ उस टाइप की बस है, कम्फर्टेबल है, ठीक है ओके है। अब यहाँ से वैसे हम निकलते हैं अपना दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे देख लो कबाब वगैरह बन रहे हैं, चिकन कॉर्नर गलत भाई खुला तो आई नहीं खाने भाई, मैं मंदिर तो कह रहा हूँ गलत। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज का इसलिए, बहुत ज़्यादा तेज का नींद आ रही है अपना गाइस। बस एक ना थोड़ा आगे भागे आ रहा चले, बाकी बस गाइस पूरी खाली है, अब सोऊंगा थोड़ी देर गाइस यहाँ पे आराम से अपना, और जहाँ रास्ते में यहाँ कहीं रुकेगी तो अपना देख लेंगे खाने पीने का क्या सीन है। चलो यार देखते हैं अपना यार ये बाकी आगे ठुल्ले देखो कैसे हैं पुलिस वाले भाई, नींद आ रही है बहुत तेज गाइस। इसका कैसा वो फेयर बता देता हूँ, या तो आपको उतर के बताऊँगा। चलो इसका फेयर ऐसी है
टाइम वगैरह सब बताऊँगा उसका फिर अपना। यार बढ़िया मज़े आ रहे हैं। चार कुछ की आई है देख सकते हो, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सब लिखा हुआ है। सुबह के यहाँ पे यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बढ़िया सामने। बाकी अभी वहाँ करो बहुत वक्त लग रही है यार, अपने बस किसी अच्छे से रेस्टोरेंट रुकेगी तो वहाँ पे गाइस मेरा थोड़ा चाय कॉफ़ी पीऊँगा गाइस। जो कल वाली बस थी ना यार वो वाली बस का प्राइस था 700 रुपीज़ आने का एंड उसमें गाइस आराम से अपना 100 तो रहा था। पर गाइस वो बस ना 1:20 का टाइम है उसका निकलने का, पर उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वो, क्योंकि आती फिर उसमें बैठता वो उसमें आराम से 100 तो रहा था। इसमें क्या होगा इसमें बैठ के जा रहा हूँ, पर ये ना गाइस जल्दी पहुँचा देगी तो फिर वैसे ही बैठ गया, क्योंकि मुझे फिर 2 घंटे बैठना भी तो पड़ता है यहाँ पे, 2 घंटे बैठना ही पड़ता ना, तो भाई 3-4 घंटे बैठता रात को 10 बजे बचाती। इसमें आराम से अपने बैठ के पहुँचूँगा इसमें जल्दी से अपना घर। ठीक है गाइस आपका भाई मिलता है गाइस आपको थोड़ी देर बाद सीधा घर पे तो नहीं लास्ट में घर होगी तो बात हो। यहाँ देख रहा बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कार खड़ी है पालम चट्टी, अच्छा यहाँ भी नई नई गाड़ियाँ खड़ी है बहुत सारी, कौन सी है ये जैसे क्या सोलर वगैरह खड़ी है। ओके फास्ट फूड बाकी यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं पहाड़ी लोगों का, इस बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं। यहाँ पे गाइस एक उल्लू भी रहता है जिसका नाम है सौरभ जोशी, हल्द्वानी में रहता है गाइस वो। चलो मैं यार सोता हूँ थोड़ी देर फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर को बढ़िया। और बाकी यहाँ पर चार्जिंग का पेड़ है बढ़िया रंग बहुत वाला यार, ये देखो ये वाला अभी मेरे फ़ोन में गाइस लगेगा नहीं क्योंकि मेरी टाइप सी पोर्ट है, दिक्कत होगी यार। एक तो भाई इसको जब भाई चार्ज करता ही दीवार से तो आपको पावर बैंक मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था 10,000 रुपये का, ये देखो ये ना गाइस सोलर एनर्जी से चार्ज होता है, देख लो कैसे अप्लाई चल रही है चार्ज हो रहा है सोलर एनर्जी से, देख लो कैसे चार्ज हो रहा है सोलर एनर्जी से, बढ़िया पावर बैंक है वैसे वायरलेस चार्जिंग है इसमें। तो अपना फ़ोन चार्ज करता हूँ भाई फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है पावर बैंक को चार्ज देख चार्ज हो रहा है भाई गलत, अरे भाई फ़ोन चार्ज कर दो यार। अपनी बस यार और ये आगे रुके गए रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे गाइस मैं कुछ खा पी नहीं रहा क्योंकि ना गाइस मेरे को ना नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज और फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाता हूँ, ये ना गवर्नमेंट की बस है गाइस देख सकते हो अपने यहाँ, तो अपना गाइस फ़ोन में चार्जिंग में लगाता हूँ एंड ये ने मुझे आनंदगढ़ उतारे कि यहाँ पर लिखा गाइस आनंदगढ़, तो गाइस मैं फ़ोन चार्जिंग में लगाता हूँ तो बाकी लोगों ना आगे कंटिन्यू करूँगा, पहले फ़ोन चार्जिंग में लगा के फिर आगे आपको बताऊँगा। बाकी मैं कुछ खा पी नहीं रहा यहाँ पर कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है भाई। मैंने अपनी चिकन चिली थे साथ में जो कल चिप्स मिले थे ना वो चिप्स खा रहा हूँ अपने, मेरा मन तो था खाने का और मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वैम्स आ रहा था भाई, क्योंकि ना पता नहीं था ना भाई वो खाना मेरी ना हर बार तबीयत खराब हो जाती है जब मैं बाहर के खाते में चिकन पुलाव, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया नहीं। बाकी भाई बाहर बस में चले जा रही है भागी जा रही है भागी जा रही है, 4 बजे तक गाइस दिल्ली कह रहे हैं पहुँचा देगी अनवन विहार। बाकी गाइस मैं यार खाना वगैरह कंप्लीट करता हूँ चिप्स वाला फिर अपना थोड़ी देर सोता हूँ या तो मम्मी से बात करता हूँ वीडियो कॉल पर, ठीक है भाई मिलता हूँ भाई खत्म करने के बाद। नदी आ रही है देखो कितनी गहरी हो रही है ना, मेरे को लगता है गोवा है छोटा गंगोत्री, देखो यहाँ पे ना मेरे ख्याल से गंगा नदी है, देखो कोई यहाँ पे ना गाइस घाट बनाए हैं, ये देखो गाइस कितनी गहरी है भाई, मेरे को ना बहुत डर लगता है गाइस ऐसी नदियों से यार देख सकते हो भाई। और ये हाँ पक्का गाइस भैया गाइस गंगोत्री घाट ये देख सकते हो गाइस कितनी सारी बोट खड़ी यहाँ पे भाई, बहुत सारी बोट खड़ी है गाइस देखो, ओ भाई सब बोट ही बोट खड़ी है यहाँ पे, तो अच्छा गाइस ये छोटा हरिद्वार की तरह बना रखा गाइस मतलब ये हाँ भैया गाइस जुमरादाबाद साइड ये गाइस भैया गाइस एक छोटा जैसे कहीं छोटा हरिद्वार होता है ना गाइस ये वो है गाइस गंगोत्री गंगा माता थी गंगा माता की जगह यहाँ पे ना गाइस एक बार ना कभी प्लान होता है गाइस मैं ना बाइक पे ना कभी यहाँ पे आऊँगा फिर मतलब बढ़िया और उसका ब्लॉग भी आए हो गए ना कि फ्रेंड वगैरह के साथ जाऊँगा तो अकेले तो आ नहीं पाऊँगा, बढ़िया गाइस ये भी रेलवे स्टेशन में आ गया ट्रेन वगैरह भी जाती साइड में।
थोड़ी देर अपना सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 4 बजे ना दिल्ली पहुँचा देगी बस। एंड घर पे जाके गाइस एक सरप्राइज है मेरे लिए, मुझे पता क्या है, कल जाके पता चलेगा। आप सब घर पे जाके मिलता हूँ गाइस, या तो रास्ते में बड़ी होगा बोली होगी भाई। हमारे टाइम पे भाई 20-30 रुपए की मिलती थी, और अब देखो 10 रुपए की मिल रही है। पहले भी याद है मिलती थी जब छोटे होते थे। ओ भाई सब गाइस बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक लगेगी हमसे, पता नहीं क्या हो गया, ये देखना एक्सीडेंट हो गया आई थिंक, और पता नहीं क्या है कि हमसे इतनी हार्ट ब्रेक लग गई। भाई अल्टी मिटाइए तो भाई से एक नंबर गया, तो मज़ा आ गया भी, ऐसा लग रहा है कुछ असली में पी रहा हूँ। और ट्रेन की पटरी तो मैं सब ये कंप्लीट करता हूँ, अब फिर आपको घर पहुँच के मिलता हूँ। बाकी मेरा भी ऐसा मन है बाइक पे कहीं जाऊँ दूर, फिर तो भाई जा रहा है। मेट्रो देखते ही ना भाई एक ना दिल में तसल्ली से मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब आगे दिल्ली अपने घर। सो यार नोएडा आ चुका है, देख सकते हो भाई नोएडा अपना लिखा हुआ है। तो यार फटाफट से गाइस अब घर पहुंचने वाला हूँ अपना, यहाँ से गाइस मेट्रो पे बैठता हूँ। एंड यहाँ से तो नहीं आई आनंद विहार से बैठूँगा, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना बस बिल्कुल एंड है, वहाँ पे उतर के अपना बस मेट्रो बैठूँगा, पहुँचूँगा सीधा अपने घर। दिल्ली आ चुके गाइस फाइनली, बस सुन रहा हूँ यहाँ पे वो यहाँ रहती है मेरी गाइस। नोएडा भी ना गाइस सही बना रखा है, बढ़िया एक नंबर का। चलो अपना यार फटाफट से गाइस अब ना घर पहुँचो, फिर आपको घर पहुँच के मिलता हूँ, या तो मेट्रो में तो दिखाऊंगा आपको कि मेट्रो पे जा रहा हूँ, बाकी फिर घर पहुँच के मिलूंगा, सरप्राइज है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ना आपको भी दिखनी होगी, पर गाइस यहाँ पे इतनी सारी ईगल्स है ना, ईगल्स, और वो इसलिए क्योंकि गाइस ये ना अपना मुर्गा मंडी है, क्योंकि गाइस ये यहाँ पे नोएडा के आधा मुर्गा मंडी आती है। सो गाइस यहाँ पे अपना ना पूरे दिल्ली में गाइस यही सी गाइस मुर्गे सप्लाई होते हैं, तो सब्जी मंडी भी यहाँ पे, मुर्गे मंडी भी है यहाँ पे। इतनी सारी ईगल्स है ना गाइस, मतलब आपको मैं दिखाना भूल गया, पीछे इतनी सारी थी ना इकट्ठे बैठी हुई थी, सीरियसली मतलब सोच में सकते गाइस। ऊपर देखो आपको दिख रही होगी, वो देखो ये तो गाइस अभी बहुत ऊपर है, तो कम है वहाँ पे गाइस इकट्ठे नीचे बैठी हुई थी जमीन पे, वहाँ पे वो खा ली थी भाई साहब, बहुत सारी ईगल्स है गाइस यहाँ पे। चलो अपना यार मेट्रो बैठते, मेट्रो आ चुके बस उतरने वाला हूँ, फिर आपको पहुँचना। हमने उतार दिया अपना यार आनंद विहार टर्मिनल, अब यहाँ से गाइस पीछे ना ट्रेन भी है, एंड सामने है गाइस अपनी मेट्रो यार, तो मैं जाऊँगा गाइस मेट्रो पे, क्योंकि गाइस मेट्रो गाइस ज़्यादा मेरे को यार इकोनॉमिकली बढ़ेगी, एंड साथ में अपना मेरे को ना जल्दी पहुँचाएगी। एंड कैब पे गाइस मेरे लग रहे हैं 700 रुपीज घर तक के, जो गाइस 900 रुपीज़ गाइस मेरे लगे थे गाइस उत्तराखंड से दिल्ली तक के, एंड 700 रुपीज़ लग रहे हैं गाइस। एक मिनट कैमरा अच्छी, एंड गाइस 900 रुपीज़ लग रहे हैं, 700 रुपीज़ लग रहे गाइस आनंद विहार ISBT से मेरे घर तक। तो मेट्रो से ना गाइस 40 रुपीज़ में मेरे को घर पहुँचाएगी। बाकी गाइस ये ना पूरे आनंद विहार टर्मिनल लगा, यहाँ पे सारी बसें ही बसें हैं। बाकी गाइस बस सही थी यार, कंफर्टेबल थी गाइस बस बहुत ज़्यादा, वॉल्वो थी गाइस प्रॉपर। तो बाकी गाइस वाली बस भी चलते गाइस उत्तराखंड परिवहन वाली बस है ना गाइस, ये भी आपको नॉर्मली आपके 200-250 रुपये में पहुँचा देती है। पर गाइस मेरे को ना थोड़ा ट्रैवल जो होता है ना गाइस, मेरे को थोड़ा ना वो कंफर्टेबल चाहिए होता है, तो गाइस वो थोड़ा कंफर्टेबल में था। बाकी अगर भैया को निकल जाता उड़ा देगा भाई बस वाला। ये मेट्रो सामने है, मेट्रो ये मेट्रो सामने है मेट्रो। तो चलो गाइस फटाफट से अपना मेट्रो में बैठता हूँ, और आपको मैं ना मेट्रो बैठ के मिलता हूँ। बाकी ये जा रही बस गाइस उत्तर प्रदेश यूपी वगैरह जा रही आगे कहीं ना कहीं। आपको ना हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शाहपुर लखनऊ, जहाँ पे गाइस आपको जाना आपको वहाँ के लिए बस मिल जाएगी। तो एक गाइस कश्मीरी गेट, अंडे का अपना गाइस आनंद विहार, बाकी गाइस और भी गाइस बहुत सारे टर्मिनल्स है गाइस, आप ऑनलाइन चेक कर लिया करो, थोड़ा स्मार्ट बनो। आपको ना गाइस हर जगह के लिए गाइस बसेस मिल जाएगी आपको जहाँ भी जाना है इंडिया में। बाकी यहाँ से अपनी गवर्नमेंट बस है जो कि गाइस आपको अपना दिल्ली में आपको कोई ड्रॉप करेगी, देख सकते हो ये बाजारपुर ये सब लिखा हुआ, ये आनंद विहार आई है अभी। मैं तो गाइस मेट्रो पर जा रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि गाइस मेट्रो सबसे बेस्ट है। सही पहुँच गया गाइस मेट्रो पे भी,
वो रही गाइस पिंक लाइन, तो गाइस आनंद जी आ रहा है पिंक लाइन है मेरे ख्याल से, पिंक लाइन मुझे उतारेगी गाइस, वेलकम वेलकम से गाइस मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो वो उतार देगी मुझे घर तक अपने रेड लाइन। चलो गाइस फटाफट से अपने ना मेट्रो में बैठता हूँ आपको, फिर मेट्रो बैठ के मिलता हूँ। बस मेट्रो में आ चुका है नीचे गाइस, अपने आनंद टर्मिनल है एंड यहाँ पे गाइस जो नीचे P5 इंजन है ना गाइस, तो गाइस ये गरीब रथ को पुल कर रहा है देख लो। एंड गाइस बहुत ज़्यादा रेयर मतलब रियली है गाइस गरीब रथ की आपको दिख जाएगी यार, एंड नीचे गाइस अपनी राजधानी। अब आगे रेड लाइन पे उस साइड ऊपर जो पुल है ना गाइस वो है पिंक लाइन का, तो गाइस वापसी गाइस लाइन चेंज कर ली है, अब ये लाइन गाइस मुझे सीधा घर उतार रही है, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रह गई, मैं से बोल नहीं जा रहा सीरियसली, पूरी सांस पूरी थक चुका हूँ सीरियसली, मैं आपसे घर जाके मिलता हूँ, फिर घर के बाद कर जिम भी जाना है, बहुत ज़्यादा छोटा ब्लॉक था और बड़ा कर दिया मैंने। ये गाइस वेलकम स्टेशन है, यहाँ से गाइस पिंक अभी बनी है, मतलब ये वाला स्टेशन अभी बने, ये आपको ना आगे तक लेके जाते हैं शिविया विहार तक, बाकी खुद आप चेक करें गूगल पर फटाफट कैसे मैं घर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल बोलने की, यहाँ पर कैसे मेट्रो आएगी फिर मेट्रो बैठूँगा, अब आप फिर मुझे घर जाकर यहाँ से कैसे जो ट्रेन के पटरी के बीच में ना लोहेला पुल भी आता है, सिंगेश्वर ब्रिज भी आता है, तो आप खुद देख लेना, मेरी हिम्मत नहीं बोलने की, आपको बता दिया बस, आपसे कैसे मैं घर जाकर मिलता हूँ। आपको भाई ना जिम आ चुका है मैं यार, ना मैं डायरेक्ट वहाँ से ना कैसे तो मैं जिम में आ गया इस, मैंने ना रास्ते में कुछ नहीं देखा, मैं थोड़ा चलो जिम जाएंगे, मम्मी घर में मना करी थी, मैंने अपने यार चार रोटी खाई आलू गोभी के साथ एंड अपने यार दो कॉफ़ी के पाउच पिए और मैं आ गया सीधा जिम, अब करेगा गाइस आपका भाई हैवी वर्कआउट, एंड गाइस अभी मैंने जिम भी न्यू चेंज ज्वाइन करा है, आपको फटाफट से गाइस अपना वर्कआउट दिखाता हूँ बैक का, सो ये फटाफट से अपने बैक का वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट देखोगे मेरा तो वर्कआउट करना सोचूँ कि एक अलग से वीडियो बना दूँ ठीक है यार, क्योंकि ना आप पहले मैं बहुत मोटा था, अभी फिर मोटा हो चुका हूँ, तो चेंज तो भाई बहुत होगा, लेके आऊँगा 6 महीने के अंदर तक गारंटी है लिखवा लो ठीक है गाइस, सो ब्लॉग को गाइस मैं रिपीकेंड कर दूँगा, होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तो वीडियो आती रहेगी, शेयर लव यू गाइस, सपोर्ट करते रहो, बाकी सब तो ले रही है बहन मेरी और खर्चा करा दिया उसका टेम्पल वेम्पल सब लोग आके ठीक है गाइस, अब लोगों का यहीं करता हूँ फटाफट से गाइस, चैनल को लाइक सब कुछ कर दो, मुझे बोलने की जरूरत है ठीक है, एंड कमेंट में गाइस सारे जय नीम कुलज बाबा जी की जय लिख दो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।